नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कुरकुरा आलू भाजा। कुरकुरे आलू भाजा हमको सबको बहुत ही पसंद है। क्रिस्पी पोटैटो फ्राई, तो भी चलिए क्रिस्पी पोटैटो फ्राई कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप इसे घर पे जरूर बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने तेल गरम करके रख दिया हूँ। इसमें मैं बारीक कटा हुआ आलू डाल रही हूँ। आलू को हम बहुत ही बारीक काटेंगे तो फिर कुरकुरा आलू जो फ्राई है वो बनेगा। ठीक है, कुरकुरा आलू फ्राई बनाने के लिए बारीक काटना पड़ेगा आलू को। देखिए मैंने यहाँ पर बारीक काट लिया है आलू को, अब गर्म तेल में वो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल में इसको तल लूँगी। पहले मैं यहाँ पर मध्यम आँच के रख के, मध्यम आँच में इसको मैं रख के थोड़ा सा इसको मैं पका लूँगी आलू को। आलू अभी थोड़ा सा कच्चा है ना। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी दे रही हूँ। हल्दी देखिए इसको आप मिला लीजिए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक दे रही हूँ स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं, स्वाद अनुसार इसे नमक दे के आप इसे बहुत अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसको ढक देंगे। ठीक है, ढक के थोड़ा सा पका लेंगे। पकाना ज़रूरी है, थोड़ा सा ये नरम हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा बॉयल हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये बॉयल हो जाए, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा बॉयल हो गया है। ढक्कन को मैंने खोल दिया है, ढक्कन मैंने पहले दिया था। देखिए अब देखिए मैं यहाँ पे आलू को देखिए ऐसे तोड़, हाँ देखिए तोड़ टूट गया ना आलू, देखिए ये नरम हो गया है। देखिए बस, और इसके हम ढक के नहीं रखेंगे। अब मैं जो आँच है उसको मैं बढ़ा दूँगी। ठीक है, हाई कर दूँगी। देखिए यहाँ पर मैं आँच को हाई कर दिया हूँ। बस अब है हाई आँच में इसको अच्छे से तल लूँगी। ठीक है, अब बस कुरकुरा आलू हमारा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कुरकुरा हमारा आलू बनके तैयार हो रहा है। बस हमारा आलू कुरकुरा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं करी पत्ता डालूँगी। धनिया पत्ता और करी पत्ता बहुत खाने में अच्छा लगेगा। दे बस हमारा आलू कुरकुरा बनके तैयार हो गया है। हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। ठीक है, पत्ते के साथ पहले आप थोड़ा सा आलू को पका लेंगे ढक के। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आधा आप इसको पका लेंगे। उसके बाद आप निकाल के थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नरम हुआ कि नहीं, ज़्यादा नरम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नरम हुआ है कि नहीं, बस हो गया थोड़ा नरम। बस उसके बाद आप इसे हाई कर दीजिए इसकी फ्लेम को। ठीक है, बस हमारा कुरकुरा आलू बन के तैयार है। क्रिस्पी पोटैटो फ्राई हमारा बन के तैयार है। कुरकुरा आलू तल के तैयार है, हमारा क्रिस्पी पोटैटो फ्राई तल के तैयार है, बन के तैयार है। मैंने इसको थोड़ा सा सजाया है मूंगफली के साथ। मैं मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। आप चाहो तो इस पे थोड़ा सा तेल में इसको आप थोड़ा सा तल सकते हो मूंगफली को। बस मैंने इसको ऊपर से दे दिया है। देखिए कितना अच्छा बना है, कुरकुरा बना है। ठीक है, आप इसको घर पे जरूर बनाए। क्रिस्पी पोटैटो फ्राई बनके तैयार है, झूरी आलू भाजा बनके तैयार है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, और इसके आप चावल के साथ खा सकते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपका एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं नया रेसिपी लेके जरूर आऊँगी। तब तक आप अच्छे से रहिएगा। नमस्ते।